है ना क्रिकेट की सबसे खराब बात है और ये अच्छी बात भी है कि भाई अगर आप अच्छा करते हो ना तो तालियां हैं, और आप अच्छा नहीं करते ना तो फिर कोई मतलब नो आपकी कोई आपको पूछेगा भी नहीं, और ये सच्चाई है, मतलब ये आपको एक लेवल कर लेना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ 22 यार्ड्स विद मॉन्क्स। आज हमारे साथ हैं पुनीत दाते। तो पुनीत भैया कैसे हो आप, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? एकदम बढ़िया चल रहा है। अर्शल तू कैसा है? और लॉकडाउन तो अभी चल रहा है, बस जैसा चल सकता है। तो आप क्या कर रहे हो अभी लॉकडाउन में, क्या चल रहा है, क्या रूटीन रहता है आपका? रूटीन ऐसा है कि लॉकडाउन में मैं ट्रेनिंग तो कर ही रहा हूँ, मतलब मेरे पास अपनी जिम फैसिलिटीज हैं, मेरे पास रॉड्स हैं, वेट्स हैं मेरे, तो मेरा वो प्रॉपर हो जा रहा है। बाकी मेरे घर के सामने गार्डन है तो थोड़ा बहुत रनिंग, पर वो बहुत अवॉइड कर रहा हूँ घर से बाहर निकलना, ज्यादा से ज्यादा घर में ही हूँ, तो जितना है रॉड से जितना हो पाता है उतना करता हूँ, बाकी रेस्ट सबसे अच्छा। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि आपके लिए क्रिकेट आपके लिए क्या है, क्या चीज है आपके लिए क्रिकेट? यार क्रिकेट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू मी, द वे जब से मैंने ज्वाइन किया है, और क्रिकेट से ज्यादा मतलब एक फास्ट बॉलिंग का मेरे अंदर एक वो पैशन है जो मैं काफी काफी इंजॉय करता हूँ। फास्ट बॉलिंग करना मेरे लिए, वो बॉलिंग करना एक जॉय है, एक हैप्पीनेस है। फास्ट बॉलिंग, मैं फास्ट बॉलिंग ड्रिवन ज्यादा हूँ, तो मुझे मेरे लिए तो इट्स पैशन एंड पैशन विच गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, तो इट्स रियली इट मींस रियली एवरीथिंग टू मी। या स्टार्ट इट वाज 8th के बाद का समर था, एग्जाम से ओवर और समर था, तो मैं बचपन में टेनिस बॉल से बहुत क्रिकेट खेलता था जब छोटा था और एंजॉय बहुत करता था। तो फिर एक क्लब ज्वाइन किया और आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या खेलूंगा या खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा। मैं इट्स मोर द रीजन टू प्ले और ज्वाइन अ क्लब वॉज टू इंजॉय क्रिकेट एंड प्ले थोड़ा सा सिस्टमैटिकली रदर देन प्लेइंग एक गली में, उससे अच्छा है थोड़ा सिस्टमैटिकली खेलने के पर्पज से ज्वाइन किया। और फास्ट बॉलिंग मेरा ज्वाइन या डालने का या फिर उस पाथ पे जाने का सबसे बड़ा रीजन था कि जिन प्लेयर्स के साथ मैं प्रैक्टिस करता था, जो मेरे सीनियर्स थे मेरे क्लब में, वो मतलब जो वो काफी टैलेंटेड थे और वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे अपने स्किल्स में, जितना को मैंने देखा था सब अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे तब, तो उनके अंडर रहना, उनको देखना, उनको एडमायर करना, तो बचपन से उनको देख के मुझे ये लगा दैट मैं फॉलो करूंगा फास्ट बॉलिंग ही, और उनसे सीखने काफी मिलता था, तो वो एडमायरिंग नेचर सिर्फ वो स्किल में डेवलप हो गया उनके साथ काम कर करके, इट हेल्प मी अप। बिल्कुल, तो हम चलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द करियर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, शायद से ये एज ग्रुप तो आपके मतलब अगर डिवीजन के जो मैचेस होते हैं जहाँ से क्रिकेटर की शुरुआत होती है, जहाँ से आप स्टेट की टीम में आते हैं एमपी में, तो वो तो आप मैचेस शायद से खेले नहीं, आपको उतना मौका ही नहीं मिला, शायद से आप सिर्फ स्क्वाड्स में रहते थे पर आपको मौका नहीं मिलता था, तो उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट रहता था? हाँ जूनियर क्रिकेट तो मैंने ऑनेस्टली नहीं खेली है, और टू बी वेरी फ्रैंक जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं, मैंने बहुत क्रिकेटर्स को देखा है जो बहुत ज्यादा कीन है जूनियर क्रिकेट खेलने पे, और ना उसके सिलेक्शन ना होने या होने पे काफी ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड से दिखते हैं, और तो वो चीज मैं उन सबको एक गाइड करना चाहूंगा कि इट्स जूनियर क्रिकेट इज नॉट एवरीथिंग, ओके इट इज अ यू नो बडिंग प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, बट इट्स नॉट एवरीथिंग एंड आई हैव लर्न दैट। और हाँ मैं जूनियर क्रिकेट यार बिल्कुल नहीं खेला, मैं मतलब अंडर 15 का डिवीजन का एक सीजन खेला हुआ, एंड उसके बाद आया स्टेट प्लेड सीनियर डिवीजन, तो वो यार वो फेज ऑफ माइंड ऐसा था कि उस टाइम मेरे लिए क्रिकेट वाज लव एंड फास्ट बॉलिंग, आई टोल्ड यू फास्ट बॉलिंग वाज वेरी गुड टू मी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा खेलने पे इम्फेसिस करता था रेदर देन क्या खेल रहा हूँ, कहाँ खेल रहा हूँ या क्यों खेल रहा हूँ वो नहीं। I like to play matches even if it's a club tournaments or if I can win a match for my club team, that was also very enthusiastic for me or very उससे मुझे काफी ज़्यादा motivate होता था, so I was not concerned about it उस time at that age when I was 15, 16 or 18 to play, I need to play, it was not no pressure उस चीज़ का, I was just like I was happy playing,
क्रिकेट, तो मैं उसी में मतलब काफी ज्यादा खुश था उस टाइम। बिल्कुल, तो भैया ऐसा होता है ना कि अंडर 18 से लेकर, क्योंकि पहले अंडर 23 एज ग्रुप आया नहीं था उस टाइम पे, 25 था, तो उतना गैप 18 से 25 का गैप, तो एक प्रेशर आपको, एक फैमिली का भी रहता है कि आप कुछ खेल नहीं रहे अभी, तो आगे इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तो उस टाइम पे क्या आपका सोच थी? I was lucky in this case that मुझे फैमिली से कभी प्रेशर आया नहीं क्रिकेट ना खेलने के लिए या टू परफॉर्म, और दे वर द पीपल एग्जैक्टली, माई डैड एंड मॉम यूजली सपोर्ट मी टू मच, बिकॉज देर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेर आई थॉट that I should stop playing cricket and focus on something else, because I was not not playing any level of cricket or any certain level of cricket which I should play. So there's a point I decided, I was disappointed and I was about to make a decision of quitting on cricket and start pursuing something else. But I was lucky that my parents stood up for me at that time and un logon ne mujhe they supported me in the and unhone mujhe bola not to give up, and if I have given so many years to it, at that time they did. So I should stick there because the thing was I believe in myself, but there was a point when it shakes up, and I was lucky that they were there us time jab I need somebody to show believe in me, and they did it, and luckily I have come this far and it is very good. शायद से आप अंकुर क्रिकेट एकेडमी में अपने फर्स्ट टाइम क्रिकेट स्टार्ट करा था, तो उस टाइम पे क्या क्या होता था, उस टाइम पे आपके अर्ली डेज में आप क्या प्रैक्टिस का रूटीन रहता था, कितना हार्ड वर्क करते थे आप? मैं एकदम सही बोला, मैं अंकुर क्रिकेट एकेडमी में एक प्रैक्टिस करता था, और उधर का ना एक मतलब सोल तरीका है प्रैक्टिस का, मतलब वी आर हाईली डिसिप्लिन, आई मीन इन दैट ग्राउंड हमारे कोच है ज्योति प्रकाश त्यागी, उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि डिसिप्लिन वॉज द फर्स्ट थिंग to be in that club, matlab if the time is given you need, agar aap usse 1 minute bhi late ho matlab you are out. So sabse achhi cheez maine wahan se seekhi was discipline, very good, and towards because if you are disciplined you can really learn a lot of things. And jab main chota tha I started off with small groups of hamare different groups the chote bachcho ke sath, and we start shadows, lot of shot putting, because the good thing was we started off with lot of good basics. I started off with a lot of good basics. So, when your basics are really good, aapko aaj nahin toh kal you will perform good. Because if your basics are right, it means you are on the right track. So, my coach really helped me with those basics, right, in the beginning. So, once main jab thoda competitive cricket khelne laga, toh mujhe woh sab cheezon ne bahut zyada help kiya. मैं आपके करियर पे अगर हम देखें, पहले तो आपके पास अगर मौकों की बात करें तो मौके तो आपको मिले नहीं, और जो मौके मिले उसमें आपने परफॉर्म करा, तो एक प्रेशर जरूर रहता होगा आपके आपके दिमाग में कि यार शायद से यही एक मौका है जिससे मैं चेंज कर सकता हूँ. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2012-13 की बात है जब आपका भोपाल के लिए सीनियर डिविजन की टीम में सिलेक्शन हुआ था, शायद से आप उसमें 5 मैच बाहर बैठे थे. जी, अब हर्षिल मतलब सी प्रेशर तो नहीं होता है, आई विल टेल यू, इफ अ गाय हु इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो सीनियर डिवीजन खेल रहा है, तो दिस टू काइंड ऑफ सिचुएशन, आइदर यू कैन टेक द प्रेशर और आइदर यू कैन एम्ब्रेस द सिचुएशन दैट यू आर प्लेइंग फॉर द टीम, दैट लाइक दिस इज व्हाट यू आर वर्क हार्ड फॉर सो मेनी डेज एंड नाउ यू गॉट अ चांस. सी इफ आई लुक टू प्ले अ गेम एंड कि मैं यार इसमें परफॉर्म करके ऊपर खेल लूं और मैं कैसे मेरा सिलेक्शन हो जाए टीम में, तो देर कैन बी अ प्रेशर फॉर श्योर, देर कैन बी अ प्रेशर. बट अगर इफ यू लव बोलिंग, इफ यू लव रनिंग ऑन दैट रन अप एंड ट्राइंग टू विन गेम्स फॉर योर टीम, यू डोंट लुक फॉर, देर इज नो प्रेशर, देर इज नो प्रेशर, देर इज ओनली एनीथिंग टू अचीव यू इन फ्रंट, दैट्स इट, यू हैव टू अचीव समथिंग इन फ्रंट, दैट वही दिखता है बस. यू डोंट लुक कि यार खराब होगा तो क्या होगा, दैट डजंट कम टू योर माइंड. Because you're trying to win games for your team. So मेरे को ना कभी ऐसा इतना handy pressure feel नहीं हुआ. I always felt lucky to be a part of any team और मैं वो game खेलने का मतलब मुझे chance मिला तो मैं खुशी था. I was always happy with that feeling. तो उसके पहले कि आप थोड़ी सी story बताएंगे अगर कि क्या था वो series में जो चल रहा था और आपको एकदम से मौका मिला, तो वो थोड़ा सा उसके पीछे क्या था उसको थोड़ा सा बताएं. I remember first year of my college, first semester था मेरा, there were exams. And काफी the league games were in Gwalior, so I used to go with the team Gwalior train से जाना और फिर वहाँ मैच ना खेलना, उसके बाद वापस आके एग्जाम देना. गैप जो मिलते थे हमें 3 दिन के, उसमें मेरे एग्जाम होते थे तो मैं वापस आता एग्जाम देने.
एंड ऐसा चला सेमीफाइनल तक, एग्जाम फिनिश हुए एंड आई वाज नॉट, आई हैवंट प्लेड एक भी गेम. एंड हमारे लीड बॉलर अमरजीत सिंह इंजर्ड हुए सेमीफाइनल के आखिरी डे पे. सो लकीली आई गॉट द चांस इन द फाइनल्स. सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई हैव टू प्ले द गेम. मैं वापस आ रहा था, भोपाल से इंदौर जा रहा था. सो आई वॉज ऑल हैप्पी, आई वॉज ऑल एक्साइटेड दैट अरे आई गॉट अ चांस टू प्ले. आई डोंट केयर दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी. I was really happy to, you know, play a game of cricket in a competitive manner, which everybody seeks to play. Aajkal it is very different. Everybody has a different respect to cricket, but exactly. Pehle aisa hi tha yaar. Pehle it was more of about playing that game. Exactly. Enjoying that game. Rather than selecting in the team. Yeah, exactly. Because that is the process you can't handle or you can't choose to do. You can enjoy either you bowl or you bat or you field. You can enjoy that part. If you enjoy that, performance is gonna be there. Right. If you are good. और फिर आप no. और ये भी था क्योंकि उस टाइम पे जब आप इंदौर जैसी टीम के सामने खेल रहे हैं जिसमें शायद से 11 में से अधिकतर रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स ही रहते हैं, तो एक प्रेशर जब भी रहता है क्योंकि आप उस टाइम पे सिर्फ 17 या 18 की एज में है, तो शायद से उतना मैच्योर रहता नहीं है क्रिकेट का. तो उस वो क्या था मैं हाँ यार इंदौर की टीम काफी अच्छी थी उस टाइम. मुझे अच्छा याद है अमित पॉल, सत्यम भैया और शुभम, सारांश, आनंद राजन, आई मीन सारी ही मतलब काफी स्टार साइडेड टीम थी. और ऐसा प्रिडिक्टेड था आई थिंक कि वन साइडेड गेम होगा व्हेन वी स्टार्टेड यार. बट ऑनेस्टली आई हैव नथिंग टू लूज इन दैट गेम. फॉर मी आई वाज प्लेइंग माय फर्स्ट गेम, आई वाज अ रुकी फॉर एवरीबॉडी. इवन इफ आई हैव डन बैड नथिंग वुड हैव यू नो गॉन रॉन्ग और आई वुड हैव, मेरे लिए कुछ होने को था ही नहीं. For me, it's everything to achieve. Everything is to step ahead. So luckily, वो match मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. मेरे life changing match में से एक था. And उस match में बहुत अच्छा bowling हुआ. Luckily good. My keeper has really good catches. My अच्छे से याद है मेरे विक्रांत keeper था. He really had some great catches in that game for me. So it all went good. And I honestly say there was no pressure. It was all about to come and achieve. शायद आपने यही प्रेशर नहीं लिया और वहां से आपने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और 5 विकेट प्राप्त करके आपको ये नहीं पता था कि ये जो है लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है. और आपको एमपी की 25 की जो टीम होती है उसमें कैंप में आपका नाम आ गया. उस टाइम पे क्या सोच थी कि यार मैं तो इस प्लेस के लिए, अभी मैं तो 18 ही हूँ, मेरे को 25 के लिए कॉल आ गया. यार मतलब हैप्पी फीलिंग ही था. मतलब मैं ये जो एग्जैक्टली द पॉइंट यू सेड, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 25 का हूँ, 25 के ग्रुप में खेल जाऊंगा, 18 साल में हूँ. बिकॉज आई प्लेड उसी साल आई प्लेड रणजी ट्रॉफी ऑल्सो. तो फॉर मी सब यंग एज में ही हुआ, वेरी अर्ली. आपको तो इतना पता नहीं था कि रणजी ट्रॉफी 25 है. मेरे को तो बस ये है मैच है, मेरे को मैच है, मैच जिताना है बस. आपका ही एग्जैक्टली मतलब ऑल माई फोकस वॉज टू बोल एंड बोल गुड. एंड मैं बहुत इतना ज्यादा नहीं सोचता था. चलो ऑनेस्टली मैं इसको, ये मेरे लिए पॉजिटिव ही हो गया. कभी कभी ये किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है शायद, बट मैं इतना सोचता ही नहीं था ये लेवल है या वो टीम है या वो प्लेयर्स हैं. दैट वाज नॉट एट ऑल माय कंसेप्ट और माय थॉट. मैं हमेशा ऐसा था कि फ्री माइंड था, आई डू व्हाट इज इन माय हैंड. एंड मैं कभी मतलब आई हैव नेवर हैड दिस काइंड ऑफ थॉट्स इन माय माइंड कि मैं 25 खेलने वाला हूँ, आई एम यंग इनफ टू प्ले, वेरी यंग, विल आई डू गुड और नॉट, ये सब तो था ही नहीं. बिल्कुल सही है, ये बहुत एक अच्छी सीखने वाली चीज है कि आप जूनियर क्रिकेट अगर नहीं भी खेलेंगे तो आप एक हायर लेवल पे आप आके आप परफॉर्म कर सकते हो और उसपे भी अपनी पोजीशन ग्रैब कर सकते हो. जिस तरह से आपने अंडर 25 खेले है वो आपका फर्स्ट बोर्ड का मैच था. ऐसे कई प्लेयर होंगे जो कि 16 खेले, 19 खेले, 14 खेले, 18 खेले, पर उन 25 तक नहीं पहुंच पाए. तो ये शायद से उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करें. यार पहला मैच था आपका अंडर 25. फर्स्ट मैच वॉज इन रीवा अगेंस्ट विदर्भ. और मतलब मैं आया ही था टीम में एक मैच पहले और मुझे वो मैच मिल गया था. सो आई डोंट हैव लॉट ऑफ नर्व्स, आई वाज प्रीटी काम. बट जो थोड़ा बहुत होता है वो भी वो मेरे जो फेलो पार्टनर थे उन्होंने पूरा सेटल डाउन कर दिया था. सो इट वॉज गुड. एंड उस मैच में मैंने 3 और 2 विकेट लिए, हम लोगों ने आउटराइट मैच जीता वो. और सी आई वॉज ऑलवेज हैप्पी टू वेयर दोज क्लोथ्स, whites जिसमें state का नाम है and everything was there, which is a really good feeling for I think any cricketer जिसके साथ भी ये first time होता है. Anybody who's getting this kind of treatment for the first time, he really feels special. And I doubt अगर कोई इस चीज को मना करे तो.
एंड सिमिलरली लाइक एवरी यंग इंडिविजुअल मैं भी उतना ही एक्साइटेड था व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट क्लोथ्स एंड आई गॉट माय फर्स्ट किड बैग एंड द बैग्स यू नो कैप आई गॉट क्योंकि ऑलवेज वंडर टू यू नो जब आप खेलने लगते हो डिविजन और ये सब आपके सब दिखने लगता है कि ऐसा ऐसा होता है सो इट वॉज रियली रियली स्पेशल फीलिंग फॉर मी यू नो दैट कि आपको कैप वगैरह किसने दी थी उस टाइम पे यार देयर वाज हमारे मैनेजर थे कैप्टन मनोहर जो टीम के साथ थे हाँ मनोहर शर्मा वो टीम के साथ थे एंड ही वाज द वन हु गिव मी द कैप एंड आई एम रियली लकी दैट ही इज द वन हु प्रोवाइड मी द कैप बिकॉज़ आई हैव रियली वेरी गुड इमोशनल अटैचमेंट विद हिम एंड व्हेनेवर आई हैव इन डाउट्स इन माय माइंड अबाउट दीस डेज आई रियली कॉल हिम एंड टॉक टू हिम ही इज रियली नाइस पर्सन टू टॉक टू हिम एज ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट क्रिकेट एंड लाइफ सो इट्स रियली गुड दैट ही वाज द वन हु गिव मी माय फर्स्ट कैप फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट और इसी के साल हम आगे बढ़े तो आपको रणजी ट्रॉफी के डेब्यू का मौका मिला जो कि रणजी ट्रॉफी उस टाइम पे एमपी जो है वो उनका आखिरी मैच था लीग का और 2013 में 22 दिसंबर को आपको यूपी के अगेंस्ट डेब्यू करने का मौका मिला आपको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक टाइम पे अभी नॉर्मल क्लब के मैचेस खेल रहा हूँ मैं डिविजन का मैच खेला जिसमें पांच मैचों में बाहर था और एक मैच में मैंने 5 विकेट लिया और मैं यहाँ तक आ गया नो डाउट अभी जो भी हार्डवर्क थी वो तो है पर things were go like smoothly कि आप रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिल गया मुझे शायद से ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने लेवल को कभी इतना दिमाग में नहीं लिया शायद से ये भी एक पॉजिटिव है कि इसलिए परफॉर्मेंस आपका एनहांस होता गया हां वी कैन श्योरली से दैट कि ये रीजन वन ऑफ द रीजन है एंड एकदम सही चीज है कि मेरे लिए काफी रोलर कोस्टर राइड थी दैट यू वर नोवेयर यू आर एट होम सिटिंग डूइंग नथिंग यू आर जस्ट होपिंग कि कुछ हो जाए And after like 15-16 days, you see that you have been called for Ranji Trophy team, and now you are amongst the player which you have seen for years that the big names you have seen who are the one who dominates cricket basically, and now you are around them. So yeah, that was something really 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 special for me. And really, it was a highly roller coaster ride. I'm telling you, वो 15 दिन मेरे लिए काफी ही ज़्यादा मतलब मेरी मेरे को अच्छे से याद है वो चीजें वो सारे moments और वो जितनी भी चीजें हुई To enter the team for the first time, to see those people traveling with them, so it was all very very. तो भैया थोड़ा सा वो बताएंगे वो 15 दिन जो आप बता रहे हैं कि जो roller coaster ride आपकी हुई तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. हम 25 का मैच खेले रीवा में and we came back to Indore after that. Indore में हमारा practice camp था and MP का एक मैच बचा था and there was a change for the team so. There was a fast bowler change hona tha. There were a few fast bowlers who were injured. So luckily, I got the chance. So we came to Indore. We need to go to UP Kanpur for the same. So for me, Ishwar Pandey was like for any fast bowler in MP, everybody look at him the way he used to bowl. Everybody's idol was him, and the atmosphere he and a fellow fast bowler gave me was really really appreciating. That was commendable. I mean, I never felt like I have somebody who's just joined the team. They were so much, appreciating, and they make me so comfortable around them. I never felt that I was with somebody who was far away from me, or they are so higher level of players. So they never make me feel that way. I was always they make me feel so comfortable that kind of I always go to them and talk to them about anything, about any problems or any issues I'm having with the current cricket. Situation so that was really really helpful for me and I really appreciate the fact that these guys have put so much good impact in my life at my beginning of the career which helped me grow so much and that was really helpful of him so wohi thi right matlab seeing Devin Mundhila I was Devin Mundhila Naman Ojha Munish Mishra Ishwar Pandey these guys are these were the idols you see I mean these were the one we used to see to dominate the game ये लोग काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे क्रिकेट दे हैव सो मच नॉलेज अबाउट द गेम तो थोड़ा मतलब इट वाज लाइक ग्लैमर ग्लैमर शो फॉर मी दैट एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग एंड आई वाज जस्ट वाचिंग एंड सीइंग देम व्हाट दे आर डूइंग सो इट वाज रियली गुड तो उस रात को आपको नींद आई भैया कि नॉर्मल था जैसा जो भी था वो सब नॉर्मल था और सुबह जब गए तो क्या माहौल था उस टाइम पे अच्छा आपको पता था कि आप मैच खेलने वाले हैं Day before I knew that I'm playing the game so yeah I was sleep lucky thing that I'm a very good sleeper I was lucky to sleep
on time and wake up on time. But I was really excited to play the game. And I was all charged up and ready. जो एक एक youngster को हो सकता है, I mean जो जितनी energy उसमें होती है, वो सारी सारी उस दिन दिख चुकी थी मुझे मेरे अंदर. And it was just special. It was all special उस दिन मेरे लिए. I mean nobody else can feel that because I was in that my shoes at that time. But I can feel it that I'm in the spotlight. Even if I'm not, but you know when you debut the game with these people around you, you feel that you are in the spotlight. और वो बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है. और एक्चुअली आपका डेब्यू भी यूपी जैसी टीम के सामने हुआ जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे थे, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा एक प्लेयर का नर्वसनेस होता है कि यार ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है. तो और मैं तो अभी डेब्यू कर रहा हूँ, पहले ही मैच है मेरा, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा आपको लगा था कि सब नॉर्मल था आपके? मतलब प्लेयर्स उस टीम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे, मतलब सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार. And these guys were, well, I have just watched them on TV. मतलब मैंने उन्हें TV पे देखा था. और एक वो, but for me, I told you, I was all into bowling on the areas. If something good will happen, it will happen. You can't control what you can just control what is in your hand. So yeah, after seeing them on the field and was always making me, you know, my eyes always turned down to them. But on the field, when you're on the crease, there's 22 yards, there's no difference on a mic, who's playing and who's not. मेरे को आप बस एक बात बताना भैया कि वो छह बॉल जो पहले ओवर की, छह बॉल के बारे में आप बताओ कि वो क्या था उस टाइम पे, क्या दिमाग में चल रहा था, और उसके बाद जो हुआ आपके साथ, तो वो फीलिंग को आपने कंट्रोल कैसे करा? क्योंकि आप डेब्यू कर रहे हो और आपको एकदम से पहली दो बॉल पे विकेट मिल जाए तो आपको वहां पे कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है. एक वो आप कैरिड अवे भी हो सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि पहले ही ओवर है मैच का, वो रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर रहे हो, उस टाइम पे क्या सोचा था आपने? I mean, first ball मैंने डाला and the batsman got it on the edge और गली में out हुआ. तो it मतलब जितने भी nerves थे, जो थोड़े बहुत nerves थे, वो सारे उस time settled down हो गए. एक एक feeling होता है ना कि यार क्या होने वाला है, क्या होगा, पहली ball में wicket मिल जाए तो वो जो nerves रहते हैं वो सब हो जाते हैं कि ओके मतलब वो सब ठीक हो जाएगा, एक विकेट मिल गया सब बढ़िया ही होगा. And I remember the second ball I bowled in, or the batsman left it on the pad and I got out. Then it was more of where I had nerves. Now I started to thinking that I can dominate. No, I'm doing it now. I can literally dominate the game. So for me, it matlab not to carry it away, but I thought that now I have a chance to control the game. And because now I know batsman is going to play. थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंट्रोल करके खेलेगा, ट्राई टू स्टे ऑन द क्रीज, नॉट टू स्कोर रन, नॉट टू गिव एनी फर्दर विकेट. सो आई नो दैट नाउ आई कैन चार्ज अपॉन देम और आई कैन लुक टू डोमिनेट. एंड लकीली बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अनदर विकेट इन द नेक्स्ट ओवर. एज अ यंगस्टर आप टीम में ज्वाइन हुआ और आपने पहली बॉल पर अगर आप विकेट ले लेते हो तो आप टीम को भी उठा देते हो, आपको टीम का मोरल भी उठा देते हो. ये शायद से पहले विकेट के बाद हुआ भी होगा ऐसा कि एकदम से एक एनर्जी added energy आ जाती है टीम में. Yeah, exactly. I mean, यार once you are playing your first game, everybody has a doubt that is he going to perform? Is he going to bowl? What is he going to be good enough for this level? Or is he going to be manage to dominate or manage to perform or manage to survive in these domestic circuit. So everybody has doubt other than you. Everybody is going to have doubt because they're going to see you for the first time on this level. And if you do good in that, if you get wickets early on, they just start feeling that no, he can do it. This is a very good. Yeah, आपने बिल्कुल सही बात है. Actually, भैया हर क्रिकेटर के लिए जो रहता है कि इंडिया खेलना तो एक सपना रहता ही है, पर जो एक इंडियन सोसाइटी है वो ये भी जानती है कि भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपसे पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी खेल रहा है कि नहीं लड़का. तो ये आपके फैमिली वगैरह का क्या माहौल था जब आप रणजी ट्रॉफी डेब्यू करा, तो फैमिली का एटमॉस्फेयर क्या था जब आपने घर पे पहली बार बताया कि आई एम सिलेक्टेड इन द रणजी ट्रॉफी टीम ऑफ एमपी, तो क्या माहौल था घर का? दे वर हैप्पी, दे वर ऑनेस्टली ऑफ कोर्स मतलब देयर वाज अ नेचुरल रिएक्शन कि वो लोग खुश थे. बट ऑनेस्टली माय डैड एंड माय मॉम वो ऐसे थे, दे नेवर इंटरफेयर्ड. दे आर नॉट एट ऑल इनटू क्रिकेट. आई विल टेल यू ऑनेस्टली, आर नॉट एट ऑल इनटू क्रिकेट. एंड माई डैड ने उन्होंने मेरा पहला मैच तब देखा था जब मैं लाइव टीवी पे आया था. तो दे हियर नेवर सीन मी कि मैं बैटिंग करता हूँ, बॉलिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, अच्छा करता हूँ, खराब करता हूँ, ही हैड नो आइडिया. फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम लाइव, ही सॉ मी दैट ओके आई बोल एंड आई बैट, ही कैन
I did this and I did that. Varna, he never seen me playing cricket, or he never, you know, मैं कभी शाम को आऊँगा तो we never talked about cricket, me and my dad, never ever. So तो एक emotional moment होगा जब अपने बेटे को पहली बार वो TV पे देख रहे हैं, तो एक emotional moment होता है पूरी family के लिए, आपके relatives से लेकर आपको बहुत सारे messages आते हैं, तो एक emotional moment होगा वो. बहुत ज्यादा, मतलब there was a big turn around as everybody in their offices start, you know, this my parents start to feel proud because everyone in the office was, you know, talk to them about me, and you know, everybody is appreciating the fact that how good their kid is doing. This is what really makes me feel happy and proud, that my parents you know, get a certain amount of attention because of me, which is really good. And that makes me really feel happy. And this is what cricket has exactly given me. And this is what it is really precious. So, bhaiya, ye jo 34 Ranji Trophy matches aur Vijay Hazare aur Sayyed Mushtaq Ali Trophy ka jo ye jo experience hai, aap isko ek isko kis tarah se club karte hain ki jo pehle match mein tha aur 34 matches ho chuke hain mere Ranji Trophy ke, to kya experience gain kara hai aapne jo aap batana chahenge as a player?